बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे च वर्ग। च से चम्मच। च से चम्मच है निराला, सबके मुंह में देने वाला। और च से चरखा भी होता है, च से चपाती भी होती है, और च से एक और शब्द आप यहाँ पर बताइए और यहाँ पर उसके पिक्चर भी चिपकाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द मिलान करेंगे। चम्मच क्या है बच्चों? क्या है चम्मच? एक बर्तन है। चम्मच से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। चम्मच कहाँ मिलती है? रसोई घर में मिलती है। अगला वर्ण है छ। छ से छतरी, जो आप सबने देखी है। छ से छतरी काम है आती, धूप मेघ से हमें बचाती। मेघ यानी बारिश, बादल से। तो धूप में भी हम छतरी यूज करते हैं, बारिश में भी छतरी यूज करते हैं। इसके अलावा छ से छन्नी भी होता है और छ से छछुंदर भी होता है। अब यहाँ पर आप एक और शब्द बताइए छ से और उसका चित्र चिपकाइए। हम छाता कब प्रयोग करते हैं बच्चों? बारिश और धूप में करते हैं। छाता किससे बनता है? छाता कपड़े से बनता है। और अधिकांश छाते किस रंग के होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। ज से जहाज। ज से जहाज, बड़ा है भारी, बीच समंदर करो सवारी। बच्चों जहाज से हम समंदर में यात्रा करते हैं। ज से जग भी होता है, ज से जलेबी भी होता है, और ज से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जिनमें से कोई भी एक चित्र आप यहाँ पर चिपकाइए और उस शब्द का नाम लिखिए। अब यहाँ पर जहाज कैसा होता है? जहाज बड़ा होता है। जहाज कहाँ पाया जाता है? समुद्र में आपको देखने को मिलता है। जहाज चलाने वाले को क्या कहते हैं? कैप्टन कहते हैं। झ, झ से झंडा। झ से झंडा रखना ध्यान, कभी न जाए इसकी शान। बच्चों झंडा हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। ये तिरंगा ट्राइकलर का झंडा आप सबने देखा होगा। झ से झरना, झ से झरोखा। झ से एक और शब्द आप यहाँ पर लिखिए। तिरंगे झंडे का पहला रंग किसका प्रतीक है? पहला रंग केसरिया, शांति और शक्ति और साहस का प्रतीक है। झंडे का दूसरा रंग सफेद, यानी कि शांति और सत्य का प्रतीक है। और झंडे का तीसरा रंग हरा, ये उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद इया, इया खाली। इया से इया खाली हूँ भैया, करता रहता ताता थैया। तो इया खाली होता है। थैंक यू।